पंजाब में सबसे ज्यादा दहशत मचाने वाले गैंगस्टर सुखा कालो का जिगरी दोस्त गैंगस्टर दलजीत भाना आखिरकार पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये कारनामा किया है पटियाला पुलिस ने। पटियाला पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर दलजीत भाना को चार साथियों समेत यूनिवर्सिटी के पास दो गाड़ियों से पकड़ा है। इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक माउजर, एक 315 बोर राइफल व 5 देसी पिस्तौल के अलावा भारी तादाद में गोली सिक्का बरामद हुआ है। पटियाला पुलिस ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि गैंगस्टर दलजीत भाना पिछले 3 महीने से पटियाला में छुप कर रह रहा था, क्योंकि उसे पटियाला में कोई नहीं जानता था। इनका मकसद सुखा कालों की हत्या के आरोपी लोहरिया ग्रुप के व्यक्तियों को मारना था, जिसके लिए इन्होंने भारी तादाद में हथियार जमा कर लिए थे। और पटियाला के DIG बलकार सिंह सिद्धू के अनुसार किसी समय सुखा कालो, दलजीत भाना, प्रेमा लोहरिया, हरजिंदर सिंह विक्की इकट्ठे काम किया करते थे, लेकिन जब गैंगस्टर सुखा विदेश गया तो प्रेमा लोहरिया ने अपना ग्रुप अलग कर लिया और बाद में जलंधर में सुखा कालो की शरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी, जिसका बदला गैंगस्टर दलजीत भाना लेना चाहता था, क्योंकि दलजीत का सुखा के साथ काफी अच्छे संबंध थे। फिलहाल आगे की जांच के लिए पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत भाना को पटियाला की कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने भाना का 25 मार्च तक का रिमांड दिया। सुखा कालवन सीगा, ये बहुत बड़ा इन्हों का एक गैंग बनया हुआ सी पहला। प्रेमा लाहौरिया, विक्की गौंडर, दलजीत भाना, ये सारे एक गैंग के मैंबर होंगे सके, और सुखा कालवा इन्हों का हैड हों जो इन चला, वो विचों कुछ देर लिए बाहर आस्ट्रेलिया चला गया सीगा। उस तो बाद प्रेमा लाहौरिया विक्की गौंडर इस गैंग चलाते रहे है। जदों सुखा कालवा वापस आया तो इन्ह का जो आपस में तकरार जोड़ा सीगा वधा गया, और इतों तक हो गया कि एक दूजे ने इन्होंने कतल करने शुरू कर दिए। और इससे जोड़ा सुखा कालवा का जोड़ा कतल होया इसे ही लड़ी के जोड़ा होया। तो ये जो हूँ सके लोग इतने रह रहे थे, प्लैनिंग कर रहे थे, वैपन इन्होंने कुछ प्रोक्योर कर रहे थे, कुछ होर कर रहे थे, और इन्होंने जोड़ा उसके बदले जोड़ा सुखा के कालवा के कतल का लेना सगा, और इस करके इतने रह रहे थे, और इन्होंने जाली पासपोर्ट बनवाए हुए, जाली डॉक्यूमेंट्स थे, और मर्डर करने तो बाद इन्होंने जी सी बाहर चले जाना। 315 बोर वैपन जी रैफल है हुई है, लोंग रेंज वैपन है, बहुत खतरनाक वैपन है। 3 जिहड़े हैगे देसी कट्टे जिहड़े हैगे है वो बरामद होए आ, और एक 32 बोर का पिस्टल है, देसी है लेकिन बहुत वधिया है। तो जिहड़े हुण तक सामने आए वो हैगे इस गैंग दे नाल, बाकी इन्हां दोनों दो हिस्से च वंडिया गैंग, अलग अलग बंदे वंडे गए, मारे भी गए हैगे है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उहदे विच होर फिगर होण दी संभावना है कि इन्हां नूं असीं पेश कर रहे हैं, और इन्हां दा रिमांड लै के अगे जिहड़ी कोशिश कीती जाएगी, और जिहड़े केसिस दे विच PO हैगे आ कंसर्न जिहड़े हैगे, असीं उहनां दे SSP साहिबान नूं और उहनां थाणे नूं इनफॉर्म करांगे।